इधर ये मुर्गी फार्म इसके अंदर है भाई। किसी ने कमेंट किया था मुर्गी फार्म के लिए, देखो मुर्गी का दुकान। और ये है दिल का एक छोटा सा मुर्गी फार्म इधर, बाकी बहुत बड़ा वाला मुर्गी फार्म इधर है। हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस अभी टाइम जो है 12:30 हो रहे हैं और भाई अभी मैं सीधा व्लॉग बना रहा हूँ 12:30 बजे, बिकॉज सुबह सोया था, उसके बाद नहाने धोने में लग गया क्योंकि आज जुम्मा है। तो हमारी तरफ से आप सभी को जुम्मा मुबारक। तो गाइस अभी 12:30 हो रहे, देखो आपका भाई एकदम नहा धोवा के मस्त वाला रेडी हो चुका है। और भाई अभी मैं चलता हूँ पहले जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है। अजान भी अभी हो रहा है, सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को, फिर अजान भी हो रहा है, तो मैं पहले चलता हूँ नमाज के लिए। गाइस तो अभी टाइम 3:30 हो रहा है और अभी मैं यहाँ पे बैठ के और साजिद यहाँ पे बैठ के देखो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं हम लोग। और गाइस देखो यहाँ पे हमारे कादिर फुप्पा आए हुए हैं मिलने हम लोगों से। और क्या हाल है फुप्पा आपका? बहुत बढ़िया। और सब मस्त? कुछ बताइए अपने बारे में। रोजे से? माशाल्लाह। देखो गाइस हमारे घर में हर कोई रोजे से रहता है। मुसलमान में भाई रोजा जब रमजान होता है ना तो छोटे छोटे बच्चे भी रोजे से होते हैं। और फूफा कुछ बताइए घर का क्या हाल समाचार है? सब ठीक है, सब बढ़िया। ये देखो अमन को अभी ये गुंडा बन के घूम रहा है ये, और मुस्कान भी अभी उधर है। खेलने पे फोकस कीजिए क्या। तो गाइस हम पहले अपना गेम खेलते हैं। देखो ऐसे ही छितरा पड़ा अभी गोटी, अभी मेरा ही चलने का टाइम है। मेरा व्हाइट है कि ब्लैक है? मैं तो भूल जाता हूँ। ब्लैक है इसका मतलब व्हाइट होगा। ये वो उजला गया है। गाइस तो अभी टाइम 4:30 हो रहा है, तो अजान हो चुकी है अभी। तो अभी मैं चल रहा हूँ पहले नमाज पढ़ के आता हूँ, अभी असर की अजान हुई है तो अभी चल रहा हूँ मैं पहले नमाज पढ़ने। गाइस तो देखो अभी असर का नमाज पढ़ के आया हूँ मैं, और अभी यहाँ पे बैठ के मैं इश्फाक कर रहा हूँ ये दतमन। गाइस ये देखो पैकेट में पैक होता है, ये 20 रुपये का मिलता है ये मार्केट में, ये पैकेट में पैक रहता है। इसको पिल्लू का दतमन भी बोलते हैं भाई, ये बहुत ही तीतापन इसमें होता है। अभी देखो मैं इससे दांत धो रहा हूँ, क्योंकि रमज़ान में रोज़े जो रहते हैं ना वो ब्रश नहीं करते, मिश्वाक ही करते। तो देखो मैं भी मिश्वाक कर रहा हूँ। और ये देखो पीछे अमन को अभी सो के उठाए, सोया हुआ था। गाइस अभी 10 से 15 मिनट बचा है इफ्तार खोलने को, और देखो अभी मैं किचन में, यहाँ पे देखो भाई अभी सब कुछ रेडी हो चुका है। अम्मी सब कुछ रेडी करके रखी हुई है। अभी यहाँ पे देखो ये पकौड़े हैं, और इधर फ्रूट्स वगैरह, यहाँ पे मुरमुरा, यहाँ पे दाल, सब चना, देखो सारा सामान रेडी है इफ्तार का, बस वेट कर रहे हैं टाइम होने का। यस देखो अमन भी यहाँ पे मिश्वाक कर रहे हैं, और अब्बू भी वहाँ पे बैठ के अपना दतमन कर रहे हैं। अब भाई ये देखो इसको तुम धो लिया है मुँह? अच्छा धोएगा, टाइम नहीं है जल्दी धो। और गाइस देखो इफ्तारी का टाइम हो रहा है, मुस्कान अपना स्टडी कर रही है, मुस्कान भी रोजे से, बट ये अपना होमवर्क बना रही है अभी इंग्लिश का। गाइस देखो अभी शरबत भी बन रहा है, नींबू कर रहा है अम्मी को, देखो ये अभी शरबत बना रही है यहाँ पे। ये देखो गाइस अमन को भाई खाली प्लेट ही लेके बैठा है, इसको बहुत ही ज़्यादा रोजा लग गया है, मतलब इसको बहुत तगड़ा वाला लग गया। अभी देखो हमारी प्लेट भी सज चुकी है और चटाई भी बिछ गई है। अभी गाइस अभी हम लोग वजू करके उसके बाद अभी बैठते हैं। और मुस्कान को देखो वजू बना लिए, अभी देखो वजू बना रही है। तो गाइस अभी मैं भी चलता हूँ वजू बना के, उसके बाद अभी बैठूंगा चटाई पे इफ्तार करने के लिए। तो अभी चलता हूँ मैं पहले वजू बनाने। गाइस तो अजान हो चुका है, देखो गाइस तो इफ्तारी हो गई हमारी। इफ्तारी करने के बाद सीधा चला गया था मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, बिकॉज इफ्तारी के बाद टाइम नहीं होता। मगरिब का जो नमाज होता है ना उसमें टाइम का बहुत ही कम समय मिलता है, इफ्तार करने तक ही मिलता है बस। तो इसी वजह से मैं चला गया था नमाज पढ़ने के लिए। अभी मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ गाइस, और काफी ज्यादा थकावट महसूस हो रही है अभी मुझे, तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू वर्क। तो गाइस साजिद अभी नमाज पढ़ के आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो गाइस सभी अम्मी खाना बना रही है, तो देखते क्या बना रहे। क्या बना रही अम्मी, क्या बना रही हो? तो गाइस ये गोश्त है, बिरयानी हो रहा है गाइस, आइए पिया रखा हुआ है। उसमें क्या है? इसमें दाल है गाइस, ये हल्का हल्का मोटा भी है, मोटा गाइस। तो देखो अभी आराम कर ही रहा था कि लाइट कट गया, देखो पूरा घर अभी अंधेरा अंधेरा हुआ अभी जी भाई, अंधेरा में काला बाल तो नजर में नहीं आ रहा। तो गाइस अभी हम चलेंगे थोड़ा सा रोड पे टहलने के लिए, अभी चलता हूँ मैं रोड पे। गाइस तो देखो अभी रोड पे टहलने के लिए जा रहे थे, यहाँ पे देखो शमशेर तौकीर दोनों मिल गया। तो भाई अभी हम लोग साथ में चलेंगे घूमने के लिए। अभी पहले यहाँ से साहिल एक दोस्त है मेरा, तो उसी को अभी उठाएंगे घर से, उसके बाद चलेंगे घूमने के लिए। तो गाइस देखो अभी इधर ये मुर्गी फार्म इसके अंदर है भाई। किसी ने कमेंट किया था मुर्गी फार्म के लिए, यहाँ पे देखो मुर्गी का दुकान है। और ये है दिलकश,
एक किसी बंदे ने कमेंट किया था मुर्गी फार्म दिखाने के लिए, भाई तो मुर्गी फार्म तो अंदर है, मुर्गी मतलब मुर्गी का दुकान यहाँ पे, बट एक छोटा सा मुर्गी फार्म इधर है, बाकी बहुत बड़ा वाला मुर्गी फार्म इधर है। देखो भाई जिसने भी कमेंट किया था देख लो, मुर्गी फार्म का कमेंट जिसने किया था देख लो भाई। तो गाइस यहाँ पे देखो साहिल भी आ चुका है, अभी हम लोग चल रहे रोड पे टहलने के लिए। गाइस तो अभी टाइम रात के 10:30 बज रहे हैं और भाई मैं रोड पे से सीधा, उसके बाद अजान हो गई तो चला गया नमाज पढ़ने के लिए, उसके बाद तरावी वरा भी सब कुछ पढ़ के और फिर घर पे आया, घर पे थोड़ा रेस्ट किया हूँ, उसके बाद देखो गाइस आपसे मिल रहा हूँ अभी मैं। तो गाइस अभी अपना खाना भी निकल चुका है तो मैं खाना खाऊंगा अपना और उसके बाद वीडियो एडिट करूंगा फिर सो जाऊंगा। तो इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपसे वो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लो, चैनल पे जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। गाइस तो देखो अभी रोड पे घूमने के लिए जैसे जा रहे थे तो दो नल्ले आदमी मिल गए। कॉल कर रहा गाइस, तो अभी कॉल कर रहा।